हेलो ट्रशिदले और नमस्ते आप सभी को। फिर से आप सबको दिल से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज हम योरतोंग विलेज के और चल निकाले हैं और कुछ दिखाता हूँ आपको योरतोंग विलेज कैसा है और इसको पवित्र क्यों माना जाता है। क्यों माना जाता है और यहाँ पे बहुत महान महान गुरु लोग स्थान जो है गुरु थोचन दोजे हम लोग का गुरु रंपचे का एक अवतार है गुरु रंपचे। ये तो यहाँ पे इतना बढ़िया से सुंदर से बनाया योरतोंग विलेज में है। ये जो गोम्बा टेंपल का मेन गेट है इसके अंदर जाके देखेंगे। फिलहाल पहला आपको हम यहाँ पे एक इंसान आदमी को मिलाएंगे, तो ये है उससे हम लोग थोड़ा सा गपशप करते हैं। हाय हेलो कैसे हो? ठीक है। अच्छा आप? हमें बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ से हो? से। अच्छा मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। ओके यहाँ पे कितना आदमी बैठता है इस बस्ती पे? 40s। लेकिन सुना है यहाँ पे 25 इतना ही आदमी है और थोड़ा घर ज़्यादा है लेकिन आदमी बहुत कम है। आना जाना के मिला के और उनसे कम ज़्यादा हो जाता है जैसे फिर चीज़ करने से तो अच्छा ओके। कितना खूबसूरत है तेरेंटा शिचलिंग टेम्पल है, बहुत सुंदर है। और ये जो गेस्ट हाउस है कोई भी आके आप यहाँ पे रह सकते हैं। गेस्ट हाउस बनाया हुआ है और सबसे ऊपर वाला है ना यहाँ नजर आ रहा है ना ये गुरु स्टैचू है। आपको मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसका जूम कहाँ से होता है? ऐसा होता है ये नजर आ रहा होगा गुरुमुच्छे का स्टैचू है। अभी बस्ती का नज़ारा दिखाता हूँ। चलिए वाव कितना सुंदर है बा, इसका एक फोटो ले लेता हूँ मैं। फोटो ले लेता हूँ, बहुत सुंदर है। चलिए बस्ती का नज़ारा दिखाता हूँ। सनसेट बहुत बढ़िया से और हवा भी बहुत ही अच्छा से आ रहा है। चलो अभी बस्ती का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए ना वो लड़का कैसे बैठा हुआ है। ओ भाई गिर जाओगे तू और माँ पिताजी रोएगा रोएगा रोएगा। हम लोग तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपर्ट है ना। अच्छा अच्छा ये नदी का नाम क्या है? पता नहीं। आप जो भी बोलते पता नहीं बोलते भाई। हमें अजीब सा जवाब है आपका। ओके एनीवे मैं बता देता हूँ ये यांगसांग री है। ये तिब्बत की ओर से आता है। तिब्बत मीन्स हाँ मान लो तिब्बत की ओर से। और आपको गांव दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से इतना देखा नहीं आ रहा होगा। ये जो है ना ये वाला ये छोटा सा है ये योरतोंग का ही है और इसका आधा हिस्सा ये वाला है ये वाला। और उस इसका नीचे में भी है योरतोंग विलेज। और इसको छोड़ के यहाँ से जो अभी रोड नज़र आ रहा है ना ये वाला वहाँ पे एक गांव है वो जो महाकोटा है ये वाला ये साइड ये वाला महाकोटा। इससे थोड़ा सा ऊपर जो वाइट करके छोटा सा दिखाई दे रहा ना वही है देवी कोटा। उसको हम देवी कोटा बोलते हैं। वही है पवित्र स्थान जो गुरु रंपचे का। कोई भी आप लोग योरतोंग बस्ती में आ रहे कोई सिंगल है तो स्पेशली लड़की लोग को बोल रहा हूँ कॉन्टेक्ट कर रहे इसका कॉन्टेक्ट इसको कॉन्टेक्ट करना। इसका नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ ठीक है? सच में दे दूँ? ना ना मैं मर जाऊँगा। तू क्यों मरेगा यार तेरे तेरे तो फायदे में। ये मैं बता देता हूँ
ये हम लोग का इन तिब्बतनी ये फास्ट ऊपर वाला सबसे स्टेप वाला छेकू बोलेगा और नीचे वाला लोंगकू बोलेगा और सबसे लास्ट वाला चुकू। चुकू में गुरु रुमचे होता है और लोंगकू में चैनज आवालोकु दिशोराया होता है और छेकू में वेपा में होता है। तो आपको हम दिखाएंगे इसमें इसका बारे में भी क्या क्या है अंदर में जाके। तो चलिए अंदर जाते हैं। तो हम आ गया है अंदर। ये है गुरु रिम्बुचे। ये जो इसको गुरु नांग से जिलनेन बोलते हैं और ये टूकु सबसे नीचे वाला फ्लोर है। आपको हम पहला बताया था ना वो वाला फ्लोर है नीचे वाला सबसे नीचे वाला। इस पे ये गुरु रिम्बुचे का स्टैचू बनाया हुआ है। टूकु में हमेशा गुरु रिम्बुचे का स्टैचू ही होता है इन बुद्धिस्ट में। तो देखिए कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। और ये जो दुंजुम जिगा शि दोजे का चावे लामा गुरु का एशेस है। हम लोग इन टिबेटिन कुदुंग बोलते हैं। तो दुंजुम रिमुचे का चावे लामा का नाम जो चुरमेंगे दे वांबो था उसका एशेस है। देखिए बहुत पुराना है, टिबेट से लेके आया हुआ है। आपको हम पहला मेरा दूसरा यूट्यूब वीडियो में डाला हुआ है लामा रिगजिन फुंसो। यही है जो यह योरतोंग का यहाँ का ना सबसे बड़ा लामा। यहाँ का ओनली नहीं, यहाँ पेमा के सब पे अभी बड़। ये जो दिनजो रिम्बुची का यूम माने माता श्री का एशेस है। यूम नमजल ट्रोमा का एशेस कुदुम ये भी तिब्बत से लेके आया हुआ है। ये सेंगे टाटुक थे सेंगदोंग माई है शायद। ये सेंगे टाटुक में और ये तोकदेन लामा। और ये मैंने आपको पहला भी दिखाया था तोकदेन कुंजांग लोंगरोर। ये ट्राकर लामा और ये तोकदेन यहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ। ये तीनों निर्वाण प्राप्त हो चुका है गुरु। और ये दुंजुम रिम्पोछे का ये वाला जो पीछे वाला जो ये दुंजुम रिम्पोछे का खुद दुंजुम रिम्पोछे ये गुरु खुद यूज़ किया हुआ ओरिजिनल है, इसलिए उसकी याद भी यहाँ पे रखा हुआ है उसके फोटो के साथ। जो टुकु जिनको जो तोदेन कुंजा लोंगरो का लोंगरो का होता है ना इसका बैठने का स्थान है। और यहाँ पे जो लामा रिगजिन फुंसो का बैठने का स्थान है। और ये लामा रिगजिन फुंसो का परदादा है जोंगबेन दोजे ट्रापा ऐसे देखते हैं। तो इसको आर्ट किया हुआ है। पहला तो फोटो वोटो नहीं था ना कैमरा, तो अभी ऐसे इमेजन में पता किया। तो अभी आपको हम सेकेंड वाला फ्लोर पे ले जाता हूँ अवलोकितेश्वर आया शायद कुसम भाई लेकर जा रहे हैं हमको। हाय कर दो भाई। अच्छा आपका नाम बता दो क्योंकि कहीं लड़की आपको मरता होगा तो कोई देख रहा होगा तो ऑब्वियसली इसको देख के मर जाओ। इतना खूबसूरत से बनाया हुआ है। देखिए हाँ हम आ गए अभी अवलोकितेश्वराया पे आ गया। सेकेंड फ्लोर है अवलोकितेश्वराया। यही है अवलोकितेश्वराया। और आपको हम अवलोकितेश्वराया दिखाना चाहूँगा। टेंटेन ये है। ये इन संस्कृत अवलोकितेश्वराया बोलता है और इन बुद्धिस्ट चैनजी बोलता है। और ये जो बहुत ही मित्री दयालु का प्रति माना जाता है। सेवा में ये जो हमारा आयु है ना लंबी उम्र का गोट है, आयु को बढ़ाने वाला गोट, इसको हम लोग गंबो सेवा में बोलते हैं। और ये जो तारा देवी इन बुद्धिस्ट जितेंद्र माँ बोलता है
बहुत सुंदर है। और ये जो तिंजुम जिगडा ऐसी दो जगह अवतर सांझे पेमा शेपा का शूटी है, कितना खूबसूरत से बनाया हुआ है। लेकिन सांझे पेमा शेपा भी निर्वाण प्राप्त हो गया। और सॉरी ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि बंद है, तो हम नीचे फिर से जाएंगे। सांझे पे कोई कबूतर नहीं जा पाया, हम अमित भाई ऊपर नहीं जा पाए क्योंकि बंद था, नीचे आ गया। बढ़िया नजर आ रहा है। तो आज इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बना पाया क्योंकि मैं अपना कैमरा नहीं ले पाया, मेरा कैमरा ख़राब था। तो इस हैंडसम बॉय की बंदे की कैमरा से, इस हैंडसम बंदे की कैमरा से बनाया हुआ है। सो आज बस इतने ही, और मिलते अगले ब्लॉग पे या तो कुछ जानकारी के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।